महीनों पहले जनपद शामली के कोतवाली केराना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई थी। परिजनों ने चार लोगों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने एसपी के आदेश पर मृतक युवक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बुधवार की सुबह पुलिस ने मामले पर कार्रवाई नहीं की, इसके चलते मृतक युवक के पिता की सदमे में मौत हो गई थी। परिजनों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर परिवार के साथ आत्मदाह करेगा। दरअसल पूरा मामला आपको बताने के क्या है, गत 28 जून को कस्बे के मोहल्ला खेल निवासी मकसूद, जो कि 19 वर्षीय था और पुत्र शहनवाज केराना कोतवाली खेड़ा खुर्द के पास अपनी मां के साथ गया हुआ था। आरोप है कि इसी बीच शहनवाज को गांव के ही आसिफ वकील और शादिक यमुना नदी में नहाने के लिए ले गए। इसी बीच शहनवाज की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। उस समय तो शव को बिना किसी कार्रवाई के मृतक परिजनों ने कब्जे में लेकर और दफना दिया था। इसके बाद 5 जुलाई को मृतक के भाई फहमीद ने चार लोगों पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एसपी दिनेश कुमार से अपने भाई के पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। एसपी के आदेश पर केराना पुलिस और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उसके बाद पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगरा फॉरेंसिक लैब के लिए जांच के लिए भेज दिया गया था। मोहम्मद फहमीद है। अच्छा फहमीद जी, यहाँ पे एक मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? ये मेरे पिताजी की मौत हुई है। अच्छा, एक महीने दो दिन पहले मेरा भाई का इंतकाल हुआ था। उसको जब मार के जमुना में डाल दिया था, उसका मर्डर हुआ था। उसके ब्लड से सने हुए कपड़े हमारे पास है, सारे सबूत हमारे पास है। हमने थाना प्रभारी को भी, एसएसपी को भी, सीओ को भी, सबके पास गए और मैं 15 दिन तक चक्कर कटाए गए। अच्छा, उसका शव भी तो कब्र से निकाला गया? हाँ जी, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था और डॉक्टर भी मिला हुआ है उन लोगों से। डॉक्टर ने भी कोई ऐसी बात नहीं करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई, बिस्तर जाँच के लिए बता रहे हैं वो लोग। और मेरे पिताजी जो गए हैं वो सदमे में गए हैं। इसके मौत का कारण क्या है? इसकी मेरे छोटे भाई का जो इंतकाल हुआ था, उनकी उसके सदमे की वजह से ही उनका इंतकाल। आपने दो दिन पहले कोई शिकायत भी की थी? हाँ, मैंने पोर्टल ऐप पे शिकायत दर्ज की थी मुख्यमंत्री के पास। तो क्या हुआ उसमें? उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। मैंने एडीजी, डीएसपी, एसपी सब जगह मैंने दरख्वास्त ला रखी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अगर आपकी सुनवाई पूरी नहीं हुई तो? नहीं, सुनवाई मेरी पूरी हुई तो लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री के आवास पर हम आत्महत्या करेंगे। कब, कितने दिन का कोई? एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी रिपोर्ट मेरे पास है, हर जगह लगा रखी है मैंने। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, सारा प्रशासन बिका हुआ है। हमारी आत्महत्या का कारण सारा प्रशासन जिम्मेदार। ये थी शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट।